start the revision of exercise 7, use the digits to form these numbers. आपको ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है, ठीक है? आपको ये वाले डिजिट्स यूज करने हैं 481, और आपको ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है. आप क्या करोगे, पहले आप प्लेस वैल्यू मेंशन कर लोगे, ठीक है? लाइक दिस. अभी हम बना रहे हैं ग्रेटेस्ट, प्लेस वैल्यू मेंशन कर दो, 1, 10, 100. जब आपको ग्रेटेस्ट बनाना है ना, तो आपके 100th प्लेस पे आपको ग्रेटेस्ट डिजिट लिख देना है. अब ग्रेटेस्ट डिजिट कौन सा है, 8, उसको यहाँ पे लिख दो. और स्मॉलेस्ट कौन सा है, ये स्मॉलेस्ट. इसके बाद देखो 8 के बाद स्मॉलर ये है ना, तो इसको लिख दो. फिर 4 के बाद क्या है, 1, ठीक है? ऐसे आपने इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देना है, ठीक है? अब हमने बनाना है, ये तो हो गया आपका ग्रेटेस्ट, मैंने जी लिख दी है, ठीक है? अब हम स्मॉलेस्ट बनाएंगे. स्मॉलेस्ट के लिए क्या करेंगे, इसी 100th प्लेस पे हम स्मॉलेस्ट डिजिट लिख देंगे. स्मॉलेस्ट बना रहे हैं तो स्मॉलेस्ट डिजिट पहले आएगा. अब जब स्मॉलेस्ट पहले आ गया है, तो बाकी इससे बड़े बड़े आएंगे. 1 से बड़ा क्या है, 4. 4 से बड़ा क्या है, 8, ठीक है? तो यहाँ पर ये आपका आएगा 841, और स्मॉलेस्ट में आपका आएगा 148. ओके, नेक्स्ट देखो. आपके डिजिट दे रखे हैं 2, 7 एंड 5. हमने पहले ग्रेटेस्ट बनाना है, फिर स्मॉलेस्ट बनाना है, ठीक है? जब हमने ग्रेटेस्ट बनाना है, तो हम ग्रेटेस्ट डिजिट उठा लेंगे, सबसे बड़ा वाला उठा लेंगे. वो क्या है, 7. 7 से छोटा क्या है, 5. 5 से छोटा क्या है, 2. जब हमने स्मॉलेस्ट बनाना है, तो हम स्मॉलेस्ट डिजिट उठा लेंगे, ठीक है? अब इन्हीं डिजिट्स की बात हो रही है, तो हम स्मॉलेस्ट उठाएंगे, 2. 2 से बिगर क्या है, 5. 5 से बिगर क्या है, 7, ठीक है? तो ये वाले नंबर्स आपके यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है? यहाँ पे आ जाएगा आपका 752, और यहाँ पे आपके आ जाएगा 257. यहाँ पे आपका आया था 841 एंड 148, ओके? नेक्स्ट है आपका 646. अब हमने ग्रेटेस्ट बनाना है, तो ग्रेटेस्ट डिजिट उठाएंगे, और वो दो बार आ रहा है ना, तो इसको दो बार लिख देंगे, और फिर 4 लिख देंगे. अब जब हमने स्मॉलेस्ट बनाना है, तो स्मॉलेस्ट डिजिट कौन है, 4, उसको पहले लिख देंगे, बाकी दोनों बाद में आएंगे, ठीक है? यहाँ पे आपका आएगा 664 एंड 466, ठीक है? अभी नेक्स्ट देखते हैं. अभी नेक्स्ट देखो 079. हमने बनाना है ग्रेटेस्ट. ग्रेटेस्ट है 9, उससे छोटा क्या है, 7, उससे छोटा क्या है, 0, ठीक है? अब हम क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट बनाएंगे, तो स्मॉलेस्ट डिजिट क्या है, 0. बट अगर 0 आप यहाँ पे लिख दोगे, और आप ऐसे 79 लिखोगे, तो ये क्या बन जाएगा, 79 बन जाएगा. 0 तो हमने यूज़ ही नहीं किया है ना, तो हमें क्या करना है, हमें 0 को भी यूज़ करना है. तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट पोजीशन पे 0 नहीं लिखेंगे. 0 के बाद नेक्स्ट क्या आता है, ये 7, पहले 7 आएगा, फिर ये 0 आएगी, फिर आप 9 लिखोगे, ओके? फॉर्म ऑल द 3 डिजिट नंबर. 3 डिजिट का मतलब आपने 3 प्लेस वैल्यू फिल करनी है यूजिंग द फॉलोइंग डिजिट, और सारे बनाने हैं. अब हम क्या करेंगे, हमारे पास डिजिट्स हैं 617. हम फिक्स कर लेते हैं, पहले 6 को फिक्स कर देते हैं, ठीक है? 6 को फिक्स कर दिया, तो देखो अब क्या क्या बन सकता है. ऐसे आप कर लो, प्लेस वैल्यू चार्ट में कर लो, आप प्लेस वैल्यू चार्ट बना लो ऐसे. वन, टेन, हंड्रेड, ठीक है? पहले सी वाले 6 को फिक्स कर देते हैं, फिक्स कर दो इसको. ये आ सकता है 1, 7, है ना?
अगर हम यहाँ पे सिक्स फिक्स कर रखें तो 7 1 भी तो आ सकता है, राइट। अब आप ये वाले 1 को फिक्स कर दो, इसको फिक्स कर चुके हम, अब ये 1 को फिक्स करते हैं। अगर 1 को फिक्स करते हैं तो 6 एंड 7 आ सकता है और 7 एंड 6 भी आ सकता है, राइट। अब हम 7 को फिक्स कर देते हैं, कौन बचे 1 एंड 6, तो ये 1 6 भी आ सकता है और 6 1 भी आ सकता है, ठीक है। तो ये आपके 6 3 डिजिट नंबर्स आएंगे जो आप इनको यूज़ करके बना सकते हो। ओके, नेक्स्ट देखो 7 4 1। अब पहले क्या करेंगे हम, 7 को फिक्स कर लेंगे, फिर यहाँ पे 4 1 आ सकता है, फिर हम अगर 7 को फिक्स रखें तो ये 1 4 भी तो आ सकता है, अगर 4 1 लिख सकते हैं तो 1 4 भी तो लिख सकते हैं ना, दोनों चॉइस है हमारे पास। अब हम 7 को फिक्स कर लिया था, हमने 4 को फिक्स करते हैं, तो ये 1 और 7 बचे हैं, तो ये 1 7 भी आ सकता है और 7 1 भी आ सकता है, राइट। अब हम क्या करेंगे, वन को फिक्स कर देते हैं, ये वाले 1 को फिक्स कर देते हैं। 1 को अगर फिक्स करेंगे तो ये 7 4 आ सकता है और 4 7 भी आ सकता है, राइट। तो ये आपके 6 नंबर्स आ गए 3 डिजिट के। नेक्स्ट देखो 3 0 एंड 5, पहले 3 को फिक्स कर देते हैं, 3 को फिक्स कर दिया, ये 0 5 भी आ सकता है और 5 0 भी आ सकता है, राइट। अब 0 को फिक्स कर देंगे, अगर 0 को मैं फर्स्ट पोजीशन पे लिख दूं फिर ये तो ऐसे आ जाएगा ना, पर ये देखो ये 3 डिजिट का नहीं है, ये 2 डिजिट है, ठीक है। ये तो खत्म ही हो जाता है फिर, ये तो होता ही नहीं है, इसलिए हम ये वाले नंबर नहीं बना सकते, ठीक है। 0 को आप फिक्स नहीं कर सकते, ध्यान रखना है 0 दिखे तो 0 को फिक्स नहीं करना है, अब 0 को तो फिक्स नहीं कर सकते। तो अब हम 5 को फिक्स करेंगे, 5 को फिक्स किया तो यहाँ पे 3 0 आ सकता है या 0 3 आ सकता है, ठीक है। तो इस केस में आपके ये 4 नंबर ही बनेंगे, ठीक है, क्योंकि 0 के केस में हम 0 को फिक्स नहीं कर सकते, इसलिए वहाँ से नंबर्स नहीं बनेंगे। नेक्स्ट है 6 6 5, अभी आप ये वाले 6 को फिक्स कर दो तो यहाँ पे 6 5 आ सकता है और 5 6 भी आ सकता है, ठीक है, दोनों पॉसिबिलिटीज है ना, 6 5 भी आ सकता है और 5 6 भी आ सकता है। अब ये वाले 6 को फिक्स कर दो तो क्या आएगा, 6 5 5 6। अब देखो ये सेम ही तो आए हैं, तो अब हम सेम नंबर को बार बार क्यों लिखेंगे, इसलिए हम एक ही 6 को फिक्स करेंगे, ठीक है, दूसरे 6 को नहीं लेंगे क्योंकि उससे सेम ही नंबर आ रहे हैं और हमें सेम नंबर को बार बार नहीं लिखना है, ठीक है। अभी हम 5 को फिक्स कर लेते हैं, तो ये 6 6 आ सकता है ना, पर ये तो सेम ही है, चाहे ऐसे 6 लिख लो चाहे ऐसे 6 लिख लो, बात तो एक ही है, तो ये एक ही बार आएगा, तो यहाँ आपके सिर्फ ये 3 नंबर्स ही बनेंगे। ओके, नेक्स्ट3 5 9, पहले आप 3 को फिक्स कर लो तो 5 9 आ सकता है और 9 5 भी आ सकता है, फिर आप 5 को फिक्स कर दो तो 3 9 बचे, तो ये 3 9 आ सकता है या 9 3 भी आ सकता है, फिर आप 9 को फिक्स करो ये आपका 35 भी आ सकता है और 9 को फिक्स रखो ये 53 भी आ सकता है, राइट। तो आपके 6 नंबर्स आ गए। नेक्स्ट है आपका 9 8 2, पहले आप 9 को फिक्स कर लो तो ये 82 आ सकता है और 28 भी तो आ सकता है, फिर आप 8 को फिक्स कर लो, बचे कौन 2 एंड 9, तो ये 29 भी आ सकता है और 92 भी आ सकता है। अब आप 2 को फिक्स कर दो तो 89 आएगा और 98 भी आ सकता है, ठीक है, एंड वी आर डन।